ये बच्चों यस्टरडे 11 जुलाई 2024 को हमारा सीए इंटर मे 2024 के एग्जाम्स uh, का रिजल्ट आ गया रिजल्ट एज बिन क्वाइट गुड अप्रॉक्सीमेट 25 फाइव परसेंट स्टूडेंट्स यहाँ पर पास हुए बट वी कैन नॉट डिनाई दिस फैक्ट कि 75 फाइव परसेंट के राउंड स्टूडेंट्स यहाँ पर अभी अपने अटैप्ट को क्लियर नहीं कर पाए एंड वन वी फेल तो स्टार्ट कैसे करना है या रीस्टार्ट कैसे करना है वो एक बहुत बड़ बड़ा क्वेश्चन हमारे माइंड में रहता है तो आपकी उस चीज में हेल्प करने के लिए मैं एक प्लानर आपके लिए लेकर के आया हूँ जो प्लान मैंने यहाँ पर बनाया है वो प्लान आपको फ्रॉम द वेरी स्क्रैच अपने लॉ की प्रिपरेशन करने में काफी मदद करेगा सितंबर 2024 के लिए लॉ को कैसे टैकल करना है एक किस तरीके से एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ लॉ को तैयार करना है कि सितंबर में हमारा लॉ अमेजिंग तरीके से पास आउट हो जाए हमें कोई भी टेंशन ना लेनी पड़े तो उसका एक प्लान मैंने यहाँ पर ड्राफ्ट कराया जो प्लान मैंने यहाँ पर ड्राफ्ट कराया वो काफी प्रैक्टिकल है उसमें आपको डेली बेसिस पर सिर्फ थ्री आवर्स के अराउंड लॉ को डिवोट करने पड़ेंगे और अगर आप इस प्लान के साथ चलेंगे तो आपका कंफर्टेबली फोर रिविजन लॉ का प्रॉपरली प्लान हो सकता है और आप में इतना कॉन्फिडेंस पक्का से आ जाएगा कि आप पेपर के अंदर बिल्कुल भी पैनिक नहीं करेंगे एटलीस्ट इन द एग्जामिनेशन ऑफ लॉ तो मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक जरा बने रहिएगा एंड इस प्लान को थोड़ा तरीके से देखिएगा एंड अगर इस प्लान को आप डे बाय डे बेसिस पर इंप्लीमेंट करते जाएंगे तो बड़ा लास्ट में आपका टारगेट बिल्कुल अचीव होगा बस सबसे बड़ा सवाल है वो यही है कि प्लान को डेली बेसिस पर इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है तो कमिंग डाउन टू द प्लान तो बेटा आज हमारी 12 जुलाई है जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं आई एम होपिंग कि आपने डेट शीट अपनी सितंबर की देखी ली होगी आपकी सितंबर की डेट शीट है सितंबर में आपके एग्जाम जो है वो 12 सितंबर से स्टार्ट होने वाले हैं तो 12, 14, 17 ये आपके ग्रुप वन के एग्जामिनेशन है तो लगभग हमारे पास यहाँ से टू मंथ्स का टाइम है टू मंथ्स में कंफर्टेबली हम लॉ के चार रिविजन प्लान कर पाएंगे एम प्रिज्यूमिंग आप सब चीजों को प्लान कर चुके हैं अपने मतलब फेलियर से रिकवर कर चुके हैं आपके पास ज्यादा समय अब नहीं होगा आपको फटाफट से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करनी पड़ेगी उट तो लॉज तो आपकी पढ़ाई कल से ही स्टार्ट हो जाएगी मैं मानकर चल रहा हूँ तेरा जुलाई से पांच अगस्त तो ये आपका पहला रिविजन का टारगेट होना चाहिए जो मैंने यहाँ पर डेज एलोकेट जुलाई से आप अपनी स्टार्ट करेंगे पांच अगस्त तक का रफली आपके पास ट्वेंटी फोर डेज का टाइम होगा और जैसा मैंने कहा मैं आपसे ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा मेरी आपसे बस एक्सपेक्टेशन है कि डेली बेसिस पर थ्री आवर्स आप लॉक रिवोट करेंगे और बेटा थ्री आवर्स जो अपने आप एक बहुत सब्सटेंशियल टाइम है पूरे सिलेबस को रिवाइज करने का अगर मैं अपने रेगुलर कोर्स की बात करूँ बेटा क्लासेस में रेगुलर कोर्स में लगभग टू हंड्रेड आवर्स में पूरा सिलेबस थरली कवर करते हैं अपने एग्जामिनेशन फास्ट ट्रैक बैच में सेवेंटी आवर्स में पूरा सिलेबस कवर करते हैं तो आपके लिए सेवेंटी टू आर्स में पूरा सिलेबस अच्छे से रिवाइज करना पॉसिबल है बस इसमें कैच क्या है तीन घंटे की जो आपसे ये पढ़ाई एक्सपेक्टेड है ये बहुत सिंसियरिटी के साथ होनी चाहिए यहां पर आपका किसी भी प्रकार से फोकस शेक नहीं हो सकता ऐसा नहीं हो सकता बीच में आप रील्स देख रहे हो शॉर्ट्स चला लिया आ, फोकस को कहीं भी डाइवर्ट किया वो चीज नहीं होनी चाहिए इफेक्टिव स्टडीज थ्री आवर्स की आपसे एक्सपेक्टेड है तो लग, लगातार चौबीस दिन तक अगर आप थ्री आवर्स डिवोट करते हुए चलेंगे सेवेंटी आवर्स में आप बहुत थरली फर्स्ट रिविजन कर सकते हैं और बेटा जब आप ये फर्स्ट रिवीजन स्टार्ट करेंगे कुछ मिस्टेक्स जो आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे ये रिवीजन आपकी होनी चाहिए बहुत ही ज्यादा थरो थोड़ों का मतलब आपको यहाँ पर अपनी मेन बुक का इस्तेमाल करते हुए चलना है कई बच्चे स्टार्टिंग से ही कॉम्पैक्ट बुक या समरीज़ को अपना बेस बनाते हुए है तो तो प्रॉपर आंसर फ्रेम करने में, में दिक्कत आती है मेन बुक से पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा यही है कि वहां पर आपको ड्राफ्टिंग कैसे करनी है उसका आइडिया मिलता चलता है कंटेंट कंप्लेटिवली ज्यादा याद होता है और बेटर प्रेजेंटेशन आपकी पेपर में निकल करके आती है तो मेन बुक से आपको तैयारी करते हुए चलनी

सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी आपकी बुक में उनको सोल्व करना है एमसीक्यूज को साथ साथ सोल्व करते हुए चलना है बस एक चीज का ध्यान रखना जब आप फर्स्ट रिवीजन में अपने सब्जेक्टिव एंड एमसीक्यूज को सॉल्व कर रहे हैं उन्हें फिल्टर डाउन जरूर करना फिल्टर डाउन मतलब बड़ा कई क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको लग रहा होगा सर ये क्वेश्चन तो बड़ा सेम है सिमिलर सा है बड़ा इजी है ये मुझे दोबारा देखने की जरूरत नहीं होगी तो जो वो क्वेश्चंस होंगे उनको आप निगलेक्ट करना जो क्वेश्चंस आपको लगता है नहीं सर ये वाला क्वेश्चन काफी है ये तो रिसेंट अटम्प्ट में आया हुआ था वहां पर आपका अटेम्प्ट नंबर भी लिखा हुआ है इसको मुझे एक बार सेकंड रिविजन के टाइम पर जरूर करना होगा तो वहां पर आप अपनी फिल्टरिंग करते हुए चलना वहां पर आप अपने स्टार मार्क लगाते हुए चलना बिकॉज आगे वाली रिविजन में आपके पास इतना समय नहीं होगा कि आप सारे क्वेश्चन दोबारा से कर पाओ तो पहली रिविजन के टाइम में ही वो फिल्टरिंग डाउन होना बड़ा जरूरी है वहां पर स्टार टेक जो भी आपको लगे आप अपने लिए वो चीज मार्क करते हुए चलेंगे तो वो फिल्टरिंग फर्स्ट रिविजन में करना बहुत जरूरी है एंड इट गोज अदर सब्जेक्ट हर सब्जेक्ट में बड़ा ये स्ट्रेटेजी आपको अपनानी पड़ेगी अब सर जब हम रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं किस आ, प्लान्स के साथ रिवाइज करें कंपनी लॉ पहले करें एल पहले करें अदर लॉ पहले करें तो बड़ा जिस पैटर्न पे आपको क्लासेस में पढ़ाया गया था उसी पैटर्न पे आप रिवीजन करेंगे सबसे पहले आप अपना कंपनी लॉ पिक करके ही रिवाइज करेंगे चैप्टर वन से स्टार्ट होंगे चैप्टर ग्यारह तक आप सीक्वेंस वाइज जाएंगे तो सीक्वेंस वाइज आपकी पूरी रिविजन चलनी चाहिए क्योंकि चैप्टर वन जब आप तरीके से पढ़ते हैं वो आपको आगे वाले चैप्टर्स में भी हेल्प करेगा तो अपनी सीक्वेंस को चेंज मत करिएगा सीक्वेंस सेम रखिएगा और अपने कंपनी लॉ को पहले पढ़ेंगे फिर आप आएंगे अपने एल एपी एंड लास्टली अदर लॉ मतलब जिस सीक्वेंस में मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था बड़ा वही सीक्वेंस आप अपनी रिविजन में भी प्लान करना उससे चीजों को रिकॉल करना ज्यादा आसान आपके लिए हो जाएगा एंड वंस अगेन सेम चीज आपको अपनी मेन बुक का इस्तेमाल करना है एंड फर्स्ट रिवीजन के टाइम पर बहुत इंपॉर्टेंट बात ये टाइम बेटा या ये वाली बात आप आगे वाली रिवीशंस पे इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे जब आप फर्स्ट रिवीजन अपनी मेन बुक से करें जैसे आपका कोई चैप्टर फिनिश हो जाएगा बेटा उसका चैप्टर वाइज टेस्ट आपको जरूर सॉल्व करना है चैप्टर वाइज टेस्ट का लिंक टेलीग्राम चैनल में है टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, में भी डाल दूंगा टेलीग्राम में सारे टेस्ट टेस्ट चैप्टर वाइज आपके पिंड है वहां पर टेस्ट भी अपलोडेड है उनके सोल्यूशन भी अपलोडेड टेस्ट जनरली आधे घंटे एक घंटे के ड्यूरेशन में रहते हैं तो हर चैप्टर के बाद इतना समय जरूर निकालना कि आप उस टेस्ट को सोल्व करें मेरे को इतना पता है इतना समय आपके पास नहीं होगा कि आप बुक का हर सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिख कर देख पाए पर बेटा टेस्ट के सवाल आप या टेस्ट के आंसर आप लिख के देख पाए इतना समय आपके पास जरूर होगा तो वो टाइम आपको जरूर डिवोट करना है पेपर उठाया

की टेंशन तो बिल्कुल भी नहीं लेनी है ये मेरी तरफ से गारंटी है प्रोवाइडेड इन टेस्ट का बड़ा स्मूथली सॉल्व कर जाए तो ये चैप्टर वाइज टेस्ट पहली रिवीजन के साथ-साथ हर चैप्टर की पढ़ाई करते हुए आप कवर करते हुए चलिएगा इसके बाद बेटा अगर फर्स्ट रिवीजन आपने पे करी पिक करने में कहीं भी आपको लग रहा है कि आप कंप्लीटली ब्लैंक हो कांसेप्ट्स तो तो पर आपकी ग्रिप बहुत ज्यादा लैकिंग है जो एक टाइम मैंने आपको दिया इस टाइम के अंदर आपकी कवरेज नहीं हो पा रही मतलब अगर आपको स्टार्टिंग में लग गया कि मेरी लॉ की प्रिपरेशन पहले तरीके से नहीं हुई थी मतलब आपने या तो क्लासेस ऑफ नहीं करी थी करी ही तो तरीके से नहीं देखी थी बहुत बट एवर बी द रीजन अगर आप बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हो तब आप जाकर के लॉ के फास्ट ट्रैक बैच को ऑप्ट करने का सोचेंगे वरना अपनी पुरानी पढ़ाई पर भरोसा रखेगा अपने पुराने नोट्स पर भरोसा रखेगा यूट्यूब पर आपके लिए रिविजनरी कंटेंट है जो कॉन्सेप्ट को कुछ हद तक रिकॉल करने में आपकी मदद करेगा दैट विल सफाइस बट इफ यू आर टोटली ब्लैंक थोड़ा फास्टैग बैच आप ऑप्ट कर लेना फास्ट फास्टैग बैच जैसे कि मैंने आपको कहा सेवेंटी आर्ट का ही है तो ये सेवेंटी आर्ट्स में आप फास्ट फास्टैग बैच के साथ रिविजन करते हुए चल सकते हैं उससे आपकी तैयारी मेरे साथ साथ हो जाएगी लास्ट रिसोर्ट आपका होना चाहिए इफ यू आर कंप्लीटली ब्लैंक इन योर एग्जामिनेशन प्रिपरेशन और बड़ा ही आपकी ये पहली रिवीजन कंप्लीट होने में आएगी तो हमने पर टाइम दिया था जुलाई से लेकर पांच अगस्त तक का जैसे ही पांच अगस्त आएगा आपकी सेप्टेंबर अटेप की मोस्ट प्रोबली एम आ चुकी होगी एमटीपी नंबर वन तो पक्का आ चुकी होगी तो जो आपकी एमटीपी नंबर वन होगी इसको आप अपना सितंबर का पेपर ही समझ लेना और पहली रिवीजन हो जाने के बाद आपको जो टारगेट होना चाहिए आपको एक दिन खुद को एक कमरे में बंद करना होगा थ्री आवर्स के लिए थ्री आवर्स के लिए आपको वो पूरी एम खुद से सॉल्व करनी पड़ेगी तो टाइम डिवोट करते हुए बाइ स्टॉप वॉच आप थ्री आवर्स का टाइम लेकर के बैठेंगे बीच में कोई भी न्यांस नहीं होना चाहिए आपका फोकस शेख नहीं होना चाहिए आपको यही सोचना है कि आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर बैठे हैं और थ्री आवर्स में आपको वो एम टीपी सॉल्व करनी है अगर बेटा आप एम टीपी नंबर वन थ्री आवर्स में कॉन्फिडेंटली सॉल्व कर जाते हो तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बूस्ट होगा पेपर में आप कभी भी पैनिक नहीं करोगे तो ये एक मस्ट टू डू है जो आपका फर्स्ट डिविजन के एंड पर करना ही होगा एम टीपी नंबर वन जो आपकी आएगी आवर्स में सॉल्व करने बिकॉज वो एम आपके लिए बिल्कुल नहीं होगी उसमें कुछ नए क्वेश्चन भी होंगे तो वो एक पेपर की तरह ही मानते हुए आप इसको करेंगे इसका सोल्यूशन भी बाद में मैच करना बड़ा आसान होगा उतना आप कर जाओगे पर ये में सोल्व करना बहुत जरूरी है इससे आपको एक रियलिटी चेक मिलेगा कि मैंने जो पढ़ाई करी है उसके बेसिस पर इंस्टीट्यूट की एम टीपी सोल्व हो भी पा रही है नहीं? और टाइम बाउंड मैनर में पेपर को अटम्प्ट कर पा रहा हूँ वो बहुत जरूरी है आई एम होपिंग ये फर्स्ट रिवीजन का प्लान आप सबको क्लियर होगा ये बड़ा बहुत ज्यादा जरूरी है एंड फर्स्ट इतने टाइम में टारगेट करना बहुत जरूरी है अगर आप फर्स्ट डिविजन के इस प्लान को इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे आपका पांच अगस्त की जगह सपोज के, के अगस्त आ गया तो इसका मतलब यह कि आप टारगेट्स मीट नहीं कर रहे तो लॉन्गर टारगेट मीट नहीं होगा तो बेटा यू हैव टू बी वेरी डिलीजेंट यहां से सिर्फ दो महीने का समय है यू हैव टू मेक एवरी डे काउंट यहां पर हर दिन मैटर करेगा आपके लिए आई नो अब ये जो अगस्त का महीना आने वाला है ये फेस्टिवल्स का सीजन है बट सब चीजें भूलते हुए आपको स्मार्टली अपनी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी कमिंग डाउन टू द सेकेंड रिविजन सेकंड रिवीन बेटा आप स्टार्ट करेंगे जस्ट आफ्टर द फर्स्ट रिविजन

यहां पर आपको चीजों को रिकॉल करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी सेक्शन को फटाफट से कवर करना इन वन मेन बुक को ही बेस बनाते हुए चलना है इस बार आपने जो फर्स्ट रिवीजन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क किए थे उनको आप देखते हुए चलेंगे सारे सब्जेक्ट और एमसी के जो भी आपके स्टार मार्क थे सबको सॉल्व करते हुए चलेंगे और इस बार भी आपको फिर से एक और फिल्टरिंग करनी है क्योंकि अब इस वाली रिवीजन में आपने जितने सब्जेक्टिव और एमसीक्यू सॉल्व करे होंगे उसमें से काफी सारे अब आपको आसान लगने स्टार्ट हो गए होंगे आपको पता है अब ये मुझे दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो उनको हटाते हुए अपने को फिर से डबल स्टार मार्क करिएगा जो आपकी थर्ड रिविजन में आपको देखते हुए चलना है तो यहां पर फिर से आप एक फिल्टर लगाएंगे और जैसे आपकी सेकंड रिविजन एंड पर आने वाली होगी उस समय तक आपकी एमटीपी नंबर सेकंड अटेम्प्ट की आ चुकी होगी आरटीपी आ चुकी होगी इनको आपको सोल्व करना है अगर फर्स्ट रिवीजन में आपकी एम सॉल्व करने में टाइम बहुत ज्यादा लग गया था कॉन्फिडेंट नहीं थे तो फिर से

दूसरी रिविजन लगभग हमने फोर्टी फाइव आवर्स में करी थर्ड रिविजन आते आते लगभग हमारा समय रिड्यूस होकर आवर्स तो हो गया और बेटा यहां पर जब आप करेंगे, अब की बार आप अपनी मेन बुक कॉम्पैक्ट बुक को मिक्स एंड मर्ज करके पढ़ाई कर सकते हैं बिकॉज मेन बुक आप इतनी बार पढ़ चुके हैं कि अगर आप कॉम्पैक्ट से सिर्फ मेन प्रोविजन भी देख जाएंगे तो मेन बुक का कंटेंट आपको रिकॉल हो जाएगा तो यहां पर मिक्स एंड मर्ज करके आप पढ़ाई करिएगा और अब की बार ये थर्ड रिविजन जैसे ही पूरे होने में आए एम टीपी सेप्टेंबर वाली तो सारी सॉल्व कर ली आर टीपी सॉल्व कर ली तो थोड़ा जो मे चौबीस की आपके पास एम टी पी आर टीपीज है वो आप सोल्व करेंगे और एम टीपी आर टीपी सोल्व ना भी करें पर जो मे चौबीस का पेपर हुआ था बेटा वो जरूर सोल्व करना है क्योंकि इस समय तक आपके मे चौबीस के पेपर के सजेस्टेड आंसर भी आ चुके होंगे तो इंस्टीट्यूट वो रिलीज कर चुका होगा इन्हें आपको जरूर सोल्व करना है बिकॉज आप में से बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने मे चौबीस में पेपर लिखा था आपके हिसाब से आप बहुत सारी चीजें सही करके आए थे पर जैसी अब आप मे चौबीस का पेपर सोल्व करके उसको सजेस्टेड से मैच करेंगे आपको अपनी मिस्टेक्स पता चलेंगी अच्छा मेरी कमियां यहाँ पर रही थी अब की बार मेरे को इन चीजों को सुधारना है तो बड़ा का जो पेपर हुआ था थर्ड में ये आपका टारगेट होना चाहिए और यहां पर आप कहीं ना कहीं थर्टी आर्ट्स के ड्यूरेशन के अंदर पूरे लॉके स लास्ट पॉइंट यहां पर आपका अगस्त खत्म हो चुका है सितंबर के लास्ट 10 से 11 दिन बचे हैं फिर पेपर नजदीक आने वाले हैं तो यहां पर मैं

तो उन तीन दिनों में आप पूरा समय सिर्फ अकाउंट्स को दोगे और कोशिश करोगे कि इन दो से तीन दिन के समय में आप पूरे अकाउंट्स के सिलेबस को थरेली रिवाइज कर पाए चार से पांच सितंबर दो दिन आप लॉ को देंगे एंड कोशिश आपकी रहेगी कि लॉ के सिलेबस को भी हम रिवाइज कर पाए फिर छह से लेकर बेटा आठ सितंबर तीन दिन आप टैक्स को देंगे अगर आपको लगता है अकाउंट्स में कम समय की जरूरत है टैक्स में ज्यादा समय की जरूरत है एक दिन वहां से यहां खींच लिया बट यहां पर आप डेली बेसिस पर सिर्फ एक सब्जेक्ट को डिवोट करते हुए आपका टारगेट ये होना चाहिए कि अ लॉ की बात करूं कि दो दिन के अंदर आपका लॉ का पूरा सिलेबस आप रिवाइज कर जाओ अगर बेटा दो दिन के अंदर आप लॉ का पूरा सिलेबस रिवाइज कर जाते हो तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बूस्ट होगा और इससे फायदा क्या होगा पेपर से पहले जो आपको लगभग डेढ़ दिन का समय मिलेगा आपको एक भरोसा क्या रहेगा यार पेपर से पहले ना मैं दो दिन में पूरे का सिलेबस को रिवाइज कर पाया था तो अब डेढ़ दिन में भी मेरे लिए पूरे सिलेबस को फटाफट से गो थ्रू करना पॉसिबल है तो ये जो हम प्लानिंग कर रहे हैं या चार रिवीज की बात कर रहे हैं बेटा ये इसलिए क्योंकि ये आपके ओवरऑल पूरे सिलेबस को रिवाइज करने के टाइम ड्यूरेशन को धीरे धीरे करके रिड्यूस कर रहे सेवेंटी आप फोर्टी आर्ट्स पर है फोर्टी से थर्टी पर है थर्टी से कहीं ना कहीं जो आपकी फोर्थ रिविजन आई उसमें आप अट्ठारह से बीस घंटे के अंदर अपने पूरे लॉके को रिवाइज करेंगे मतलब ये जो दो दिन आप डिवोट करने वाले हैं

एंड लाइक वाइज फोर्टीन के फाइव सिक्स आवर्स एंड थर्टींथ का आपके पास पूरा दिन होगा उसमें आप कंफर्टेबली पूरा सिलेबस रिवाइज कर पाएंगे तो बेटा इसलिए ये चार रिविजन यहां से एक्चुअली में प्लान हो सकती है डेली बेसिस पर सिर्फ थ्री आर्स में लॉ के आप एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं अगर आप डेली बेसिस पर थर्टीन टू फोर्टीन आवर्स की इफेक्टिव स्टडी करते हैं तो बेटा तीन घंटे आप लॉके लिए बिल्कुल यहां पर निकाल पाएंगे फिर आपके पास रिमेनिंग दिन के अंदर टेन आवर्स का समय बचेगा जो आप टेक्सीशन एंड अकाउंट्स पर भी पैरल डिवोट कर सकते हैं तो एक प्लान था बहुत ज्यादा मतलब थॉट थ्रू करते हुए खुद को एक स्टूडेंट की जगह पर सोचते हैं मैंने प्लान डिवाइस किया कि आज के दिन में अगर मुझे स्क्रैच से अपनी लॉ की तैयारी करनी होती तो इस अप्रोच के साथ बेटा मैं लॉ प्रिपेयर करूंगा नीडलेस टू से अगर आपकी फर्स्ट रिवीजन जरूर से ज्यादा समय ले जाती है तो बेटा उस केस में फिर बाकी डिवीजन कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होंगी चार से शायद आपको तीन डिवीजन पर शिफ्ट करना पड़ेगा वो प्लानिंग मॉडिफाई आप अपने अकॉर्डिंग कर लोगे बट जो प्लान मैंने आपको बनाकर दिया है ये प्लान इंप्लीमेंट करना पॉसिबल है और मेरी आपसे एक्सपेक्टेशन यही रहेगी बेटा आप इसे इंप्लीमेंट करो एंड मेक मी प्राउड मतलब मेरा आप पे बहुत भरोसा है बेटा अगर आप यहाँ से एक बार ठान लेते हो कि आपको मेहनत करनी है और आप अपने फेलियर को याद करते हुए और मेहनत करते जाओगे तो क्यों नहीं रिजल्ट आएगा और अपने माइंड में फिर से मैं वही चीज कहूंगा बेटा टारगेट वो 40 50 का मत रखना आपके माइंड में टारगेट होना चाहिए आज भी वही 80 90 का